बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी और लच्छेदार गार्लिक पराठा की रेसिपी बनाऊंगी। ये गार्लिक पराठा बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी बनता है। ये आप उसकी लुक चेक कर लें, कैसे एक एक लेयर खुल रही है। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 कप मैदे के लिए हैं, आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ इसमें नमक डालूंगी, तो 2 टीस्पून मेरे पास नमक है। नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 4 कप मैंने यहाँ मैदा लिया और 2 टीस्पून उसमें मैंने नमक डाला है। तो 4 कप जो हैं, ये देखिए मेरे पास मेरे घर का ही चाय वाला कप है, तो आप भी अपने घर का कोई भी चाय वाला कप ले लीजिएगा, उससे डाल लीजिएगा। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है नमक डाल के। तो अब हम पानी डाल के तो आटा बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो आटा बना लेंगे। आटा अच्छे तरीके से सिमट चुका है, ये देखिए। अब मैं इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूंद लूंगी। आटे को मैंने 2-3 मिनट के लिए गूंद लिया है। अब मैं यहाँ इसमें 2-3 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी और फिर ऑयल डाल के हम इसे इतना गूंदेंगे कि ये जो हम ऑयल डाल रहे हैं ना, ये सारा अंदर चला जाए और आटा हमारा बिल्कुल मुलायम सा हो जाए। आटा हमारा बन चुका है, मैंने ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दिया है। अब मैं इसे कवर करके तो 20 से 25 मिनट के लिए रख दूंगी रेस्ट पे। आटा बनाने के बाद मैंने इसे 20 से 25 मिनट तक के लिए रख दिया था, तो अब हम इसे निकालते हैं और इधर अपने काउंटर पे हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। अब मैंने आटा यहाँ बाहर निकाल लिया है, इसको हम ऐसे थोड़ा सा रोल कर लेंगे और निशान लगा लेंगे कि हमें कितने पेड़े बनाने हैं। अब हम पेड़े बना लेंगे। ऐसे पेड़े बना बना के तो मैं यहाँ साइड पे पहले रख लूंगी। मैंने पेड़े बना लिए हैं। यहाँ हम पेड़े बनाते हुए कुछ काटे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑयल से ही बनाएंगे। मैंने यहाँ एक पेड़ा लिया है, इसे हम ऐसे अच्छे से बेल लेंगे और बहुत पतली सी रोटी हम इसकी बेलेंगे। और इसकी शेप की आपने फिक्र नहीं करनी, क्योंकि इसे फिर से पेड़ा ही बनाना है, अंदर घी वगैरह लगा के पतली सी रोटी बेलेंगे। अब ऊपर मैं घी लगा लूंगी। घी से पराठे ज़रा क्रिस्पी बनते हैं। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर हम ड्राई फ्लावर डाल लेंगे, ऐसे से ना पराठे के लच्छे जो होते हैं वो खुल जाते हैं। ऊपर मैं क्रश किया हुआ गार्लिक डाल दूंगी, लहसुन डाल दूंगी, बहुत बारीक बारीक हमने इसे, आप इसे बारीक बारीक काट लीजिएगा। ऊपर मैं कटा हुआ धनिया डाल दूंगी। अब ऊपर मैं चिली फ्लेक्स डाल दूंगी, ये जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो डाल देंगे। अब एक स्पून की मदद से ऐसे इसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि धनिया और चिल्ली फ्लेक्स और गार्लिक जो हैं वो अच्छे से चिपक जाएं। ये हमारा बहुत मज़े का पराठा बनके तैयार होएगा। फ्लिकी फ्लिकी सा बनता है, क्रिस्पी बनता है और अंदर से ये जो टेस्ट आते हैं ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। अब किसी भी पिज़्ज़ा कटर या फिर छुरी की मदद से हम इसे यूँ काट लेंगे, ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स में यूँ। सारी रोटी को मैंने ऐसे देखिए काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ऐसे इसे इकट्ठा करना शुरू करेंगे। ऐसे सीधी सीधी होनी चाहिए इसकी ये लेयर्स जो है ना, इनको हम बैक पे नहीं कर देंगे, ऐसे सीधा सीधा इसको लेके आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैं पेड़ा बना लेती हूँ। अब ये देखिए यहाँ से हम ऐसे लेंगे, ऐसे घुमाते हुए ऐसे इसका पेड़ा बना लेंगे, ऐसे घुमाते हुए देखिए ऐसे हम पेड़ा बनाते जाएंगे। बन गया। अब जब हम यहाँ एंड पे आएंगे तो इसे यूँ उठा के, तो ये जो नीचे वाला है इसे हम यूँ नीचे पैक कर देंगे ऐसे। ये देखिए पेड़ा बनके हमारा तैयार हो चुका। अब हम इसे हाथों से ही ऐसे बेल लेंगे, रोलिंग पिन नहीं इस्तेमाल करेंगे, हाथों से ऐसे बेल लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम पराठा ऊपर डाल देंगे। इसे बहुत ज़्यादा थिन नहीं किया जाता, ये थोड़ा सा ऐसे हल्का सा मोटा ही होता है, लेकिन इतना मोटा भी नहीं। पराठा डालने के साथ ही यहाँ मैं थोड़ा सा घी डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और मीडियम फ्लेम पे हम इसे बनाएंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए इतना क्रिस्पी हमारा पराठा बनके तैयार हुआ है। ये आप इसके लच्छे देखें, अभी से खुल रहे हैं, अभी ये सिर्फ एक साइड से बना है। तो अब आप स्पून वगैरह लेके तो ऐसे प्रेस करते हुए इसे हम पकाएंगे। ऑयल या घी कितनी क्वांटिटी में लगाना है ये आप पे है, लेकिन अगर पराठा बना रहे हैं और आपको क्रिस्पी भी चाहिए तो फिर थोड़ा सा ऑयल घी ज़रा ज़्यादा ही लगता है, तो फिर ही पराठा क्रिस्पी बनता है। मैं भी यहाँ थोड़ा सा घी डालूंगी और इसको ऐसे प्रेस करते हुए पका लूँगी। पराठा हमारा सिक्के तैयार हो चुका। आप इसकी लेयर्स देख लें, ये देख लें कैसा बना है, ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना
फ्लिकी फ्लिकी सा ये लग रहा है, ये देख लें दोनों साइडों से आप इसे चेक कर लें। बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल बन के तैयार हुआ है। पराठा हमारा तैयार हो चुका, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया हमारा गार्लिक पराठा। ये गार्लिक पराठा बहुत ही मजे का और क्रिस्पी बनता है। ये आप उसकी लुक चेक कर लें, कैसे एक एक लेयर खुल रही है। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।